चलते हुए समय आवाज़ थोड़ा सफ़ी नहीं होने के कारण हमने समझा कि वीडियो को आवाज़ बाद में दे देंगे। तो जितने भी लोग दिख रहे हैं, हम लोग सहयोगीगढ़ हैं जो कि माँ की मूर्ति लाने चल रहे हैं इस समय। तो चलिए दिखाते हैं रास्ते में आपको। हमें माँ की मूर्त लाने के लिए हमें चलना गोसाईगंज। गोसाईगंज चलने के लिए ये है चौराहा दियरा। दियरा से होते हुए बरौसा, बरौसा के बाद हमारा आएगा गोसाईगंज। तो चलिए आपको रास्ते में पूरा व्यू दिखाते रहते हैं। और ये जो भी गेट जा रहा है, ये है बहुता बाबा का धाम। तो हम यहाँ से पार करते हुए अब चलते हैं सीधा बरौसा चलेंगे। बरौसा की शुरुआत चौराहे की यहीं से शुरू हो जाती है। बस कुछ ही दूरी पे है हमारा बरौसा चौराहा, ये भी पार करेंगे तो हम इसके बाद पहुँचेंगे गोसाईगंज। उससे पहले तो देखिए अब क्या होता है उसके पहले। ये देखिए चलते चलते बीच में करने लगे भाई जी मस्ती, जो कि देखिए बोर्ड का स्पीकर है बड़ा वाला, लगभग 2500-3000 का है। तो ये थोड़ा सुने उसके बाद फिर से बंद कर दिया करें, मज़ा ही नहीं आ रहा इसमें। हवा इतनी तेज़ चल रही है तो मज़ा ही कैसे आएगा। और जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये लड़का खड़ा है ब्लैक कपड़ा पहन के, ये है मृत्युंजय सी का, ये है बोट वाला स्पीकर। चलते चलते हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे बरौसा, यहाँ पे पड़ेगा पेट्रोल। लेकिन एक सेकंड, असंभव असंभव, मतलब पेट्रोल कह रहा हूँ, डीजल पड़ेगा। सॉरी सॉरी, हमने बहुत सारा मस्ती मजाक कर लिया चलते चलते। तो हम पहुँचने वाले हैं गोसाईगंज चौराहा, जो कि ये शुरुआत यहीं से हो चुकी है। अब कुछ ही दूर बाद हमारा आता है जो कि जहाँ पे मूर्ति लेने जाना है, मूर्तिकार के यहाँ। तो वहाँ पहुँचते ही हम लोग देखेंगे, अगर खाली होगा तो हम लोग भी अपना ट्रैक्टर लगाएंगे और मूर्ति को लोड करेंगे इस ट्रैक्टर पर, और उसके बाद फिर निकल आएंगे। ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं सामने, ये रास्ता चल रहा है मूर्तिकार के यहाँ, जो कि ये रास्ता बहुत ही डैमेज है। और ये इनका घर भी बड़े अंदर में पड़ रहा है, जो कि हमें अंदर तक चलना पड़ रहा है पूरा। अंदर नहीं चलेंगे तो हम मूर्ति नहीं पाएंगे। अब ऐसे पूरा चलते चलते हम मूर्ति को लेंगे। अब चलते देखते हैं आगे क्या हो रहा है। लोग फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें आना था, जो कि आप देख पा रहे हैं यहां दुर्गा माता और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ तैयार हो चुकी। तो आपको दिखाते हैं कुछ शॉर्ट आउट, जो कि यहां पे कैसा तैयार करें मूर्तियों को। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए मूर्ति बनाना भी इसकी एक कला होती है। देखिए कैसे इसका पूरा बनाया गया बॉडी का स्ट्रक्चर, जो कि इतना फिनिशिंग दी गई है। और ये देखिए यहाँ पे मूर्ति को देखिए, थोड़ा इसका पंचिंग कर रहे हैं थोड़ा, ताकि माता जी की आंखें अभी ना खुली रहें, और इसे हम ऐसे ले चलेंगे। देखिए सभी चीज़ें बन गई हैं, और ये देखिए तैयारी में लगी हुई हैं ये सब चीज़ें, जो कि मूर्ति आपको दिख ही रही होंगी, ये तैयारी में लगी हैं। इसको भी तैयार करके ये भी लोग सेल कर देंगे। और ये देखिए ये भी एक कला है, जो कि पेंटिंग करने की, हम लोग जो कि नहीं कर पाएंगे, हम लोग करेंगे तो ये उल्टा का उल्टा हो जाएगा सब। और ये देखिए माता जी की मूर्त है, जो कि मृत्युंजय अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए लगा है यहाँ पे। हम इसकी फ़ोटो का शॉर्ट आउट ले रहे हैं। और ये देखिए माता जी की मूर्ति का हम लोग के इस ट्रैक्टर पर लोडिंग हो रहा है, जो कि ये लोडिंग करना बहुत ही आसान बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है लोडिंग करना, सब लोग मिल के लोडिंग करते हैं तब ये लोड हो पाता है बढ़िया से। और ये जहाँ पे लोड होता है उसका भी ध्यान दिया जाता है कि कैसे लोड करना है, कितनी जगह ये लगेगा ट्रैक्टर, तो लगा के वैसे ही लोड हो जाता है। और ये आप देख पा रहे हैं ये मूर्ति का लोडिंग हो चुकी है। अब हम लोग निकलने वाले हैं अपने जहाँ पंडाल रखा गया वहाँ पे। ये देखिए मूर्त आके बैठ चुके हैं, जो कि पंडाल भी डेकोरेट हो रहा है इस समय, जो कि पंडाल को डेकोरेशन चालू है। हम लोग ऊपर आ चुके हैं क्योंकि खाना ना खा चुके हैं, डेकोरेशन चालू है भी। हम लोग भी देखिए थोड़ा चलते हैं, और ये माता जी की मूर्त जो है बैठ हो चुकी है। तो हम चलते हैं, बाय बाय, आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।